कैसे हो सकती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। देख सकते हो मार्च में पड़ी हुई है बर्फ यहाँ पे, बस इसी एरिया में भाई, किलबरी जीरो पॉइंट में चल रहा है। आगे तक चलते हैं, बहुत भीड़ है भाई इधर को। सो वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो गाइस, इट्स उरूस। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। टाइम इस वक्त हो रहा है भाई लोगों 12:11, मतलब अच्छा खासा मैं सो रहा था। अभी अभी मुझे पता चला कि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ टाइप की पड़ी है, बर्फ तो नहीं कहेंगे उसे, मतलब ओला बजरी बहुत ज्यादा मोटी, तो पूरा व्हाइट हो रखा है भाई लोगों। सारी चीजें दिखाता हूँ, चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे को पहली बार देख रहे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नींद से उठ गया हूँ, बिस्तर सो के उठ के आया, मम्मी अभी बाहर से अभी बता के आई है कि ऐसा वैसा हो रहा है कि देख ले बाहर, लाइट बंद करने गई थी बाहर की है ना। भाई लोग रात के 12 बजे काम कर रहे हैं अपना, तो अभी मैं आप लोगों को बाहर से व्यू दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया मैंने देख लिया था। अभी जल्दी से कहता हूँ, पिघलना है, बारिश पड़ रही है। वैसे तो बहुत ज्यादा भयंकर एक्सट्रीम कंडीशंस हो रही है, मौसम बहुत ही ज्यादा भयानक खराब हो रहा है। इसको बेचारे गरीब को बिठाया, इसको कॉलेज जाना है, थोड़ा बाहर देख के आते हैं, चलते हैं अभी बाहर, बाहर चल के मिलता हूँ। तो भाई लोगों जैसे घर के बाहर निकले देख रहे हो, इतनी ज़्यादा मोटी यहाँ पे बर्फ ही पड़ रखी है, जबकि यहाँ पे हम लोग ने शेड लगवा रखा है ऊपर, एंड आगे बहुत ज़्यादा पेड़ भी है यहाँ पे, देख सकते हो इतना मोटा पेड़ भी है। उसके बाद भी यहाँ पे पूरी बर्फ पड़ी हुई है, तो अगर रोड की साइड में जाएंगे तो वहाँ तो और ही ज़्यादा होगा। तो अभी बाहर जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मम्मी ने बता दिया मुझे, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता। हम तो सो रहे थे मस्त करके, क्योंकि लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर चल रहा है। तो अभी बाहर चलता हूँ, बाहर चल के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो भाई लोगों को देख सकते हो पूरी रोड वाइट हो रखी है भाई लोगों, पूरा रोड गीला है भाई। और उस तरफ लाइट ना, एक सेकेंड उस तरफ को करना, देखो भाई लोगों पूरी रोड पूरा बर्फ जैसा हो रखा है पूरा, इतने भयानक ओले पड़े हैं भाई लोगों। रात के 12 बज रहे हैं इस समय, लाइट कोल से लाइट कोल, ये देखो पूरे में ऐसे ओले पड़ रखे, बहुत ज़्यादा बिगड़ भाई, पूरे वाइट हो रहा है यहाँ से लेके देखो। अभी टाइम से बहुत ज़्यादा संभाल के चलना पड़ेगा, मैं 2 मिनट फोन रखता हूँ, रोड में आके मिलता हूँ आप लोगों ना। तो देखो भाई लोगों पूरा रात के 12:30 बजे रखे यहाँ पे ना, ऊपर पूरा पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, उसके बाद भी देखो पूरे में ऊपर पेड़ है। रात के 12 बजे का माहौल देख रहे हो भाई लोगों, पूरा बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ तो नहीं कहेंगे ऐसे ओले पड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा बिगट हेड से। रात के 12 बजे घूम रहे हैं भाई हम लोग। भाई लोगों ये है हाल नैनीताल में इस समय, रात के 12:30 बजे के टाइम पे पूरे में बर्फ़ जैसा हो रखा है। तो भाई लोगों मैं वापस से अपने घर पे आके लेट चुका हूँ भाई लोग, अपने रूम में मैं बढ़िया करके सो रहा था भाई, आराम से लेटा हुआ था मैं, आराम से फोन वोन देख रहा था, यहाँ पे घुसा हुआ था बढ़िया। अचानक से मुझे पता चला मम्मी बाहर गई, तो इन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे ओले पड़ रहे हो भाई, जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है, जिस हिसाब से वेदर हो रहा है ना भाई लोगों, हो सकता है सुबह बर्फ़ के बारे में नहीं बोलूंगा भाई लोगों, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, मैं ठंडे से एकदम परेशान हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी मतलब ठंडे में ही गुजर गई सारी, और मुझे अब चाहिए गर्मियाँ, और गर्मियाँ तो वैसे भी यहाँ पे आती नहीं है। तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि बर्फ़ पड़े मेरे को, सच में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब मार्च आ चुका है, मार्च में क्या है भाई, अब हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा गर्म मौसम होना स्टार्ट हो जाए भाई, ये हाल है भाई मार्च में। सो अब जो वीडियो है वो अब हम दिन में कंटिन्यू करेंगे, कल सुबह मिलता हूँ भाई लोग, मैं तो जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट भाई लोगों। ओके तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा है करीब 1:30 बजे का समय, एंड इस वक्त हो चुकी है सुबह, एंड अभी हैरी और मैं जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए किलबरी। एंड कल रात क्या है कि ओले और थोड़ी बहुत बर्फ़ भी पड़ी थी ना, हाँ। तो अभी बहुत ज़्यादा रोड्स में पूरा ऐसे वाइट वाइट हो रखा है जहाँ पे भी हम लोग खड़े हुए हैं, हल्की धूप थी तो सब पिघल गई है, थोड़ी पिघल गई है, सुबह धूप आई थी। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए किलबरी जीरो पॉइंट पर, तो मैं हैरी के साथ जा रहा हूँ, तो चलते हैं भाई यहाँ से है ना, आगे चल के आप लोग सारी चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जब बस घर से निकले थे बाइक यहाँ पर लगा दी, एंड यहाँ पे देखो क्या व्यू दिख रहा है भाई लोगों, चाइना पीक के देख रहे हो, बर्फ़ अभी भी दिख रही है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ना, तो यही आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा रुक गया था, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है यहाँ से। सो देख सकते हो भाई लोगों ये रहा नैनीताल का लेक, बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से। अभी चलते हैं आगे की साइड पे, आप आगे चल के मिलता हूँ। तो भाई लोगों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल के किलबरी पॉइंट पे, एंड यहाँ पे चारों तरफ पे जो है ओले और बर्फ़ सब मिक्सचर होकर पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा भयानक लग रही है। मैं आप लोग दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे पूरी ऐसे बर्फ़ आप लोगों को दिखेगी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरी यहाँ से वाइट। हमने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी, आगे जाने में थोड़ा रिस्क से खाली नहीं है, हरी बाइक लगा रहे पीछे, तो भी यहाँ से आगे को चलेंगे, पूरा आगे दिखाता हूँ आप लोगों को ना। सो भाई लोगों यहीं पर सब लोगों ने अपनी बाइक पार्क करी, तो हमने हैरी की बाइक भी यहीं लगा दी थी है ना, तो चलते हैं अभी आगे को। हम लोग आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बाइक फिसलती है भाई, गाड़ी में तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, ब्लैक आइस हो जाती है, बहुत फिसलती, फिसलने वाले रास्ता हो रहा है, बहुत भयंकर है ना, यहाँ से आ तो जा तो सकते हैं आराम से, लेकिन आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, संभाल के चलना पड़ता है। ऐसे में जूते भाई बहुत स्किट कर रहे हैं यहाँ से, तो देख सकते हो यहाँ पे भी आप लोगों को पूरी बर्फ़ वाली पूरी फील मिलेगी, भले से थोड़ा ओले और बर्फ़ मिक्स है ना, तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी आगे चलते हैं भाई लोगों, यहीं से बर्फ़ आप लोगों को देखने के लिए स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पे फोटोज़ वगैरह तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़िया आ सकती है, बस ये है कि थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। आगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ दिख रही है भाई, तो भाई लोग मेरे पीछे देख सकते हो सारी में बर्फ़ पड़ी हुई है बढ़िया, बस चलना संभल के पड़ेगा ना, नहीं तो गिरेंगे। और आगे तो काफ़ी ज़्यादा स्नो दिख रही है भाई, थोड़ी भी जल्दी नहीं दिखानी होती होता ऐसे में, पिच हो गई है भाई लोगों, देख रहे हो पूरे में ऐसे, ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे आने का,
इतनी बर्फ होगी यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। अभी आके तो लोग बड़े ऊपर तक चढ़े हुए हैं, बस ये कि हमें वाटर प्रूफ शूज़ पहन के नहीं लाए। अब देख सकते हो यहाँ पे भीड़ भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोटोज़ वीडियोस वगैरह बना रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ है भाई। अभी हैरी की फोटो वगैरह खींचते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ है भाई। लोग अगर आप लोग आज तक शाम तक ही पहुँच जाते तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ फोटोज़ बन सकती है। किलबरी 0.2 गाड़ी वाड़ी लेके आ जाते लोग, तो अभी बनाते वीडियोज़। घर की साइड पर पड़े थे ओले भी, और यहाँ पे तो बर्फ और ओले थोड़े थोड़े मिक्स, ज़्यादातर बर्फ ही दिख रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत भयंकर हो रहा है, आगे तक चलते हैं, बहुत भीड़ है भाई इधर को। ये लोग मेरे पीछे देख सकते हो इतनी भीड़ हो रखी है, पूरे बर्फ पड़ी हुई है पूरी। ये लोग मेरे पीछे देख सकते हो बर्फ और ओले भी है थोड़े थोड़े, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अभी चलते हैं यहाँ से आगे को, है ना, मेरे पीछे बर्फ हमें ले लूँगा इसको। चलते हैं भाई, डर लग रही चलने में, धीरे धीरे चलते हैं। हमारे साथ अंशुल भाई भी, हमारे सब्सक्राइब करना भाई। तो चलते हैं अभी थोड़ा आगे को, उस तरफ को देखो कितने 12,000 होने वाले हैं भाई लोगों को, थोड़ा सा ही बचा है। सब्सक्राइब कर लिया करो। की स्प्लेंडर यहाँ ले लगी हुई लाइन से सबकी, यूपी ऊपर बढ़िया लग रही है लाइन से आगे तक का सबकी स्प्लेंडर है। और ये वाला व्यू चेक करो भाई लोगों, ये है नैनीताल का इस समय बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू। ये बर्फ़ भाई यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हो, सारे चारों तरफ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आप लोग की फोटोज़ वगैरह आ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया आप लोग देख सकते हो, है ना। और आज की वीडियो भाई, आज का डेट है, दिखा दो मोबाइल में, कहीं लोग सोचे फेक वीडियो हम जो बना रहे हैं। डेट चार, देखो चार मंडे भाई, 4 मई नहीं मार्च। भाई मार्च में स्नोफॉल कैसे हो सकती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। देख सकते हो मार्च में बड़ी हुई है बर्फ़ यहाँ पे, बस इसी एरिया में भाई, किलबरी 0.2 में। यहाँ तो चलना भी बहुत टफ हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाँव वाँव चलने हैं ना, तो ऐसा कुछ है थोड़ा एक चक्कर ऊपर देख के आते ना, फिर आके नीचे देखते हैं। यहाँ देखो भाई पूरा यहाँ पे ऐसा बर्फ़, वाह बर्फ़ ओले मिक्स है भाई। ये प्रॉपर बर्फ़ तो नहीं कहूँगा मैं, बट जो भी दिखने में तो आप लोग देख सकते हो पूरा इतना भयानक लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा पेन से, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई। मार्च बर्फ़ पड़ रही भाई, मार्च पर जनवरी फरवरी छोड़ के मार्च में, वाह क्या बात है। शायद से आप लोग को पीछे दिख पा रहा होगा पूरे में बर्फ़ है ना, मेरे पीछे में यहाँ से वहाँ तक आप लोग को पूरी बर्फ़ दिख रही होगी। तो ऐसा कुछ है भाई, चलते हैं अभी। देखो बर्फ मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, इतनी बेहतरीन क्वांटिटी में है कि आप लोग की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस एंड फोटोज यहाँ पे आराम से बन सकती है। स्कूटी वाला गिर गया, बहुत स्लिप मार गई इसकी स्कूटी, देखो अभी बेचारा उठे हैं बेचारे, पेंट वेंट साफ कर रहे हैं। इनको पता सही हुआ बाइक नहीं लाया भाई, अरे हाथ में बहुत चोट लगी होगी इनके तो, अरे पैर ही स्लिप कर रहे हैं, स्कूटी कैसे नहीं स्लिप करेगी, स्कूटी के तो टायर बहुत छोटे छोटे से होते हैं। चलते हैं अभी आगे को। ओके सो भाई लोगों, जैसा कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया नैनीताल का किलबरी 0.2, जहाँ पे आप लोग की बर्फ, जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो पूरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आके आप लोग आज या फिर कल में यहाँ पे आ सकते हो, तो आप लोग को बर्फ़ मिल जाएगी देखने के लिए। यहाँ पे आप लोग की फोटोज़ बहुत अच्छी आ सकती हैं अगर आप लोग चाहते हो तो, जैसा कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी आज की ये वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, एंड वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर से कर लेना। सब मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना भाई लोगों, 12,000 के हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आज वीडियो में सकते हैं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज़।